हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। एमए साइकोलॉजी का नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे आज, और सब्जेक्ट का नाम है थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। 003 है इसका कोड, MPC 003। इसमें भी चार ब्लॉक्स हैं और चारों ब्लॉक्स में चार यूनिट हैं। तो सबसे पहले आज हम यूनिट 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इफ़ यू गो थ्रू क्लास 12th NCERT बुक, साइकोलॉजी की जो 12th क्लास की NCERT बुक है, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें देयर इज़ अ चैप्टर, चैप्टर 2, सेल्फ एंड पर्सनालिटी। अगर आप वो चैप्टर एक बार पढ़ लेते हो तो आपको ये वाला चैप्टर समझने में बहुत आसानी रहेगी। चैप्टर 2 साइकोलॉजी क्लास 12th NCERT बुक की वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। आप उसको प्लेलिस्ट में से एक बार उस वीडियो को देख लेना, चैप्टर 2 की। वो डिफरेंट पार्ट्स में है, तो जितने भी पार्ट्स हैं उसके, आप एक बार वो चैप्टर पूरा पढ़ लोगे उसके थ्रू, तो आपको ये यूनिट समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है। ये इसका इंडेक्स है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट्स, इमोशनल डिटर्मिनेंट्स, एक्सेसिव लव एंड अफेक्शन, सेल्फ डिस्क्लोजर, एस्पिरेशंस, अचीवमेंट, गोल सेटिंग, ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आएंगे। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल डेप्रिवेशन, एजुकेशनल फैक्टर, फैमिली डिटर्मिनेंट्स, इमोशनल क्लाइमेट ऑफ होम, ऑर्डिनल पोजीशन एंड साइज ऑफ द फैमिली। तो ये सारी चीज़ें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या चीज़ें हैं जिनसे हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट आता है और पर्सनैलिटी क्या होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में इन्होंने ये बताया कि पर्सनालिटी, अगर आप किसी लेमैन से पूछो, लेमैन का मतलब किसी कॉमन पर्सन से पूछो पर्सनालिटी क्या होती है, तो वो क्या कहेगा, पर्सनालिटी क्या होती है। आप जनरली भी किसी को देख के जब बोलते हो कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो आप क्या देख के बोलते हो, उसकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस देख के बोलते हो, उसके गुड लुक्स देख के बोलते हो, उसके बात करने का तरीका आपको इम्प्रेसिव लगता है, बहुत कन्विंसिंग लगता है, बहुत सोशिएबल लगता है। तो हम जो चीज़ें देख के बोलते हैं, पर्सनालिटी, गुड लुक्स को देख के बोलते हैं या विटीनेस को देख के बोलते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि हाजिर जवाब होता है, तो वो चीज़ एक्चुअली पर्सनालिटी नहीं कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर हम पर्सनालिटी को इन चीज़ों से देखेंगे, तो इसका मतलब जिन लोगों में ये सब चीज़ें नहीं हैं, जो अट्रैक्टिव नहीं हैं, जो ज़्यादा बातें नहीं करते, क्या उनकी कोई पर्सनालिटी नहीं होती, तो ऐसे नहीं होता। तो इसलिए साइकोलॉजिकली पर्सनालिटी को हम लोग इन चीज़ों से नहीं देखते हैं। Psychologists consider any attempt to define personality in terms of social attractiveness inadequate. Psychologists कहते हैं अगर आप social attractiveness से personality को judge करोगे तो वो inadequate है। क्यों inadequate है, दो reason है। एक तो ये आप बहुत limit कर रहे हो, बहुत limited चीज़ों की आप personality बना रहे हो। limited चीज़ें हैं कि good looks होने चाहिए, बातों में अच्छा होना चाहिए, friendly होना चाहिए, वैसे आपने बहुत limit कर दिया कि इन चीज़ों से ही personality बनती है। दूसरा ये है कि जिनके पास ये चीज़ें नहीं है उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, इसका मतलब दूसरी चीज़ से ये निकल के आती है कि अगर मतलब यही चीज़ें पर्सनालिटी हैं, तो जो इनके ऑपोजिट होते हैं, जो शाही होते हैं, जो लोग कम बात करना पसंद करते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी होती नहीं, इसका मतलब। तो इस तरीके से इस हम पर्सनालिटी जो है ले मैन में जो पर्सनालिटी हम लोग सोचते हैं वो होती नहीं है। पर्सनालिटी बहुत, इससे बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे गॉर्डन ऑलपोर्ट का नाम आप ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि इनकी एक डेफिनेशन है जो इस बुक में दी है, वो आपको रटनी पड़ेगी, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लिखोगे अपने आंसर में तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि पर्सनैलिटी को हम डिस्क्राइब करेंगे, उसकी नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स पढ़ेंगे जिससे पर्सनैलिटी चेंजेस होते हैं, उसमें इन्वायरमेंटल भी आ जाते हैं और साइकोलॉजिकल भी आ जाते हैं। डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट अब क्या है, अगर हम सोशल अट्रैक्टिवनेस से देखें तो पर्सनैलिटी हम किसकी मानते हैं, जो दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं, यही बोलते हैं ना, जो दूसरों को इम्प्रेस कर ले उसको हम बोलते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है।
बट ऐसा होता नहीं है, साइकोलॉजी कुछ और कहती है। साइकोलॉजी में सोशल अट्रैक्टिवनेस को हम पर्सनालिटी नहीं बोल सकते, इसके दोनों रीज़न मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इट लिमिट्स द नंबर एंड टाइप ऑफ बिहेवियर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, एंड दूसरा सम पीपल हु हैव यूनिक एबिलिटीज टेम्परमेंट ट्रेट्स आर डिवॉइड ऑफ हैविंग अ पर्सनैलिटी, कि जिनकी यूनिक एबिलिटीज़ होती हैं, जो वैसे क्रिएटिव होते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, तो क्या वो पर्सनैलिटी नहीं होती उनकी कोई? तो ये दो रीज़न्स हैं। साइकोलॉजी क्या बोलती है? साइकोलॉजी ने पर्सनैलिटी को दो चीज़ों के बेस पे एक्सप्लेन किया, एक है इंडिविजुअलिटी और एक है कंसिस्टेंसी। इंडिविजुअलिटी मतलब सबकी अलग अलग होती है, कंसिस्टेंसी मतलब कुछ चीज़ें सब में सेम होती हैं। साइकोलॉजी बोलती है कि जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम फील करते हैं, जिस तरीके से हम एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, सेम सिचुएशन में या डिफरेंट सिचुएशन में हमारा एक डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है। डिस्टिंक्ट मतलब दूसरों से अलग होता है, एक पर्टिकुलर हमारा बिहेवियर होता है कि ये इस तरीके से बिहेव करता है, वो होती है हमारी पर्सनैलिटी। दूसरा ये होता है कि हमारे बिहेवियर में एक कंसिस्टेंसी होती है कि हम हमेशा उसी तरीके से बिहेव करते हैं जब हम उस सिचुएशन में होते हैं। अब जैसे दो लोग हैं, एक बहुत शाई है एक बहुत आउटगोइंग है, तो हम बोलेंगे कि इनकी पर्सनालिटीज अलग अलग है, ये बहुत शाई है ये बहुत आउटगोइंग है। तो ये तो हो गया डिस्टिंक्टिवनेस, इंडिविजुअलिटी। कंसिस्टेंसी क्या हुई कि जो बहुत शाई है वो जब भी बाहर जाता है वो चुप चुप ही रहता है, दूसरों के सामने वो चुप ही रहता है, ये चीज़ उसकी कंसिस्टेंट है कि जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो वो चुप कर, ज़्यादा बात नहीं करता, वो चुप हो जाता है, शाइनेस हो जाती है। और जो बहुत आउटगोइंग है वो सबसे दोस्ती कर लेता है, तो ये बिहेवियर उसका कंसिस्टेंट ही रहता है हमेशा। तो इंडिविजुअलिटी भी दिखती है, कंसिस्टेंसी भी दिखती है किसी के बिहेवियर में, तो वो होती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कैसे पता चलती है? जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब हम किसी को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तभी तो उसके बारे में हम कोई चीज़ बोलते हैं कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। तो पर्सनालिटी हमारी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ परसीव कंसिस्टेंसी कम्स द नोशन ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब ये सारी चीज़ें जो हम बोल रहे हैं कि वो आउट गोइंग है, वो फ्रेंडली है, वो बातें बहुत करता है, वो शाई है, ये सब पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं? पर्सनालिटी ट्रेट्स। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ट्रेट्स, क्योंकि आगे जाके चैप्टर में हर यूनिट में आने वाला है। तो ऊपर की सारी चीज़ें अगर हम ज्वाइन कर दें तो पर्सनालिटी की क्या डेफिनेशन बनती है? पर्सनालिटी कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक वेज इन विच इंडिविजुअल थिंग्स। एक तो डिस्टिंक्टिव तरीका, यूनिक तरीका, जिस तरीके से कोई सोचता है, फील करता है, एक्ट करता है, विच करेक्टराइज अ पर्सन रिस्पॉन्स थ्रू आउट लाइफ, और पूरी ज़िंदगी वो जिस तरीके से रिस्पॉन्स देता है। तो रिलेटिवली परमानेंट ट्रेट्स हैं, ज़्यादातर वो सेम ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। जो शाही है वो थ्रू आउट शाही रहेगा, कभी कभार कुछ अलग हो सकता है, किसी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर वो हमेशा यही वाला ट्रेट दिखाता है अपना, शाइनेस वाला। हाँ, लेकिन अगर वो बहुत कंफर्टेबल होगा किसी के साथ तो हो सकता है वो बहुत बात भी कर ले। दूसरा ये होता है डिस्पोजिशन और करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डिस्पोजिशन मतलब जो आपके बायोलॉजिकली आपकी आदत है, और करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके खुद के। तो रिलेटिवली परमानेंट ट्रेट्स होते हैं, डिस्पोजिशंस होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कंसिस्टेंट रहते हैं किसी भी पर्सन में। ये ट्रेट्स यूनिक होते हैं ज़्यादातर, सबके अपने अपने खुद के ट्रेट्स होते हैं, और ग्रुप्स में कॉमन भी माने जाते हैं, लोग शेयर भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आउटगोइंग हो तो पूरे वर्ल्ड में कोई और आउटगोइंग नहीं होगा, तो आपका यूनिक फीचर है लेकिन कॉमनली शेयर्ड बाय अदर्स भी है। थॉट, फीलिंग, एक्शन दैट आर परसीव्ड एज रिफ्लेक्टिंग इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी टिपिकली हैव थ्री करेक्टरिस्टिक्स। तो जो थॉट, फीलिंग, एक्शंस हैं वो करेक्ट बिहेवियर कंपोनेंट्स हैं हमारे, वो हमारे बिहेवियर में दिखते हैं। हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शन वो बिहेवियर में आते हैं, बिहेवियर कंपोनेंट। बिहेवियर क्या है? यूज्ड एज यू प्राइमरीली कॉज्ड बाय इंटरनल रेदर देन एनवायरमेंटल फैक्टर। बिहेवियर हमारे इंटरनल फैक्टर्स के होता है, हमारे इंटरनल फैक्टर्स हमारा बिहेवियर बनाते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है? बिहेवियर ऑफ अ पर्सन सीम टू हैव ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। बिहेवियर का एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सनैलिटी, थ्री करेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सनैलिटी। डेफिनेशन जब आप पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट समझाओगे तो आपने उसमें ऊपर की दी हुई सारी चीज़ें समझानी है,
प्लस आपने एक ये वाली डेफिनेशन उसमें ज़रूर लिखनी है, इसके बेस पे आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। ये है अल्पोर्ट की डेफिनेशन, और अल्पोर्ट की डेफिनेशन ज़रूर आपने याद करके जानी है। डेफिनेशन कहती है कि पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द पर्सन ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन द यूनिक एडजस्टमेंट टू वन एनवायरनमेंट। मतलब डायनामिक पर्सनैलिटी बहुत डायनामिक है, चेंज बहुत कुछ चलता रहता है, अंदर अंदर डायनामिकली चेंजेस होते रहते हैं साइकोलॉजिकल सिस्टम में, और वो किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है यूनिकली, उससे उसकी पर्सनैलिटी बनती है। तो बेसिकली आपको इसको समझाना नहीं है, इसको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड याद करके जाना है। यहाँ पे ऑलपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने पर्सनालिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया हुआ है। फिर ये कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया, आप वीडियो पॉज करके ये देख सकते हो। फिर आगे चलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब ये नहीं हुआ कि आप पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है हमारी जो पर्सनालिटी ऑलरेडी है वो किन फैक्टर्स की वजह से है, वो ऐसी पर्सनालिटी क्यों है। तो इसमें तीन तरह के फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरनमेंट, जिसको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो पहला जो डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी है वो है बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, बायोलॉजिकल फैक्टर, इसको फिजिकल भी बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल डिटर्मिनेंट। ये बॉडी के फिजिकल करेक्टरिस्टिक के बेस पे होता है। तो इसमें बॉडी बिल्ड के बारे में बात करेंगे, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के बारे में बात करेंगे, होम्योस्टेसिस के बारे में बात करेंगे, फिजिकल डिफेक्ट्स और हेल्थ कंडीशन। तो पहले बॉडी बिल्ड पे आते हैं। बॉडी बिल्ड में शेल्डन ने हमें तीन तरीके के बॉडी बिल्ड दिए हैं, एक एक्टोमॉर्फ होता है, एक एंडोमॉर्फ होता है, एक मीजोमॉर्फ होता है। एक्टोमॉर्फ होते हैं जो बहुत थिन और टॉल लोग होते हैं, पतले और लंबे जो होते हैं ना, बॉडी टॉल एंड थिन बॉडी बिल्ड होता है जिनका, वो एक्टोमॉर्फ होते हैं। यहाँ पे हम पर्सनालिटी से इसको क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि आगे इन्होंने बताया है कि एक्टोमॉर्फ किस तरीके से होते हैं, उनकी कैसी पर्सनालिटी होती है। तो एक्टोमॉर्फ होते हैं, दूसरे होते हैं एंडोमॉर्फ, जो थोड़े से राउंड और सॉफ्ट बॉडी बिल्ड होते हैं, थोड़े से राउंड मीन्स थोड़े से फैटी टाइप के, राउंड फैट ज़्यादा होते हैं उनमें, राउंड होते हैं, थोड़े सॉफ्ट बॉडी बिल्ड होते हैं। और तीसरा है मीजोमॉर्फ, जो स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर लोग होते हैं, लोगों की बात हो रही है। तो ये बॉडी बिल्ड के हिसाब से शेल्डन ने ये बोला है कि बॉडी बिल्ड के हिसाब से पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं। तो जो एक्टोमॉर्फ होते हैं वो जो टॉल एंड थिन लोग होते हैं वो थोड़े ब्रेनी टाइप के होते हैं, ब्रेनी मतलब ज़्यादा दिमाग वाले। जो एंडोमॉर्फ होते हैं राउंड एंड सॉफ्ट, वो फ्रेंडली बहुत होते हैं, ट्रस्टवर्दी बहुत होते हैं, सोशिएबल होते हैं। तीसरे जो मीजोमॉर्फ है, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर, वो एंड्योरिंग होते हैं, बहुत एंड्योरिंग और बहुत ही सुपीरियर, मतलब इन सबसे सुपीरियर होते हैं वो। तो इस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी होती है, स्पीड होती है उनके अंदर, एंड्योरेंस होती है, एजिलिटी होती है। तो ये क्योंकि यहाँ पे बॉडी बिल्ड के बेस पे पर्सनैलिटी डिसाइड कर रहे हैं, तो ये तो पहला फैक्टर हो गया। और एक चीज़ यहाँ ये लिखी है कि बॉडी बिल्ड के बेस पे ही लोग अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जिसकी बॉडी बिल्ड अच्छी होती है वो अपने आप को फेवरेबल देता है, मतलब अपने आप को फेवरेबली देखता है, अपने आप को ज़्यादा अच्छे पॉजिटिवली देखता है, तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव होता है अपने लिए। जिनकी बॉडी बिल्ड अच्छी नहीं होती वो अपने आप को नेगेटिवली देखते हैं, तो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने लिए नेगेटिव हो जाता है। फिर फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के बेस पे कैसे पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं। पीपल आर मोर टॉलरेंट इन देयर एटीट्यूड एंड जजमेंट ऑफ एन अट्रैक्टिव पर्सन। अट्रैक्टिव पर्सन ऑफ एनी एज इज मोर अपीलिंग देन अ पर्सन हु इज अट्रैक्टिव। तो कोई अगर अट्रैक्टिव होगा तो आपको वो ज़्यादा अपीलिंग लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, आपको उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगेगी ज़्यादा। पीपल टेंड टू बी मोर टॉलरेंट इन देयर एटीट्यूड एंड जजमेंट ऑफ एन अट्रैक्टिव पर्सन। अगर कोई अट्रैक्टिव है तो लोग उसको जज करने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोचते हैं, एक अट्रैक्टिव पर्सन को लोग अच्छा, ज़्यादा अच्छा, फेवरेबली जज करते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया कि अगर कोई बहुत प्रिटी चाइल्ड है तो उसको टीचर कम पनिश करेगी एज़ कम्पेयर टू जो प्रिटी नहीं है। बहुत ही प्रिजुडिस सा यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, बट
मे बी ऐसा होता भी है कि एक अट्रैक्टिव अगर आपका कोई एम्प्लॉई है तो आप उसको ज़्यादा प्रमोट जल्दी करोगे एज़ कम्पेयर टू कोई अट्रैक्टिव नहीं है, तो फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस से आप दूसरे की पर्सनालिटी को ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से लेते हो। होम्योस्टेसिस है कि आपकी बॉडी में कितना बैलेंस है, आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है, आपके अंदर बॉडी के फंक्शंस कितने नॉर्मल हैं, उस पर डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी। अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, ब्लड शुगर नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, जो स्टेबल कंडीशन है, तो उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी पर्सनालिटी बहुत कूल, काम, फ्रेंडली, रिलैक्स्ड, कंट्रोल्ड, इस टाइप की पर्सनालिटी होगी, सोशली एक्सेप्टेबल। अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है, आप बहुत इरिटेटेड रहते हो, मतलब आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपको इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में ऐसे फैक्टर्स दिखेंगे जैसे इरिटेबिलिटी, इनडाइजेशन, इंसोम्निया, इस टाइप की चीज़ें नज़र आएगी, तो ये सब पर्सनालिटी पे भी दिखेगा। डिस्टर्बेंस इन होम्योस्टेसिस में क्या होता है, अगर पर्सनालिटी स्टेबल, अगर होम्योस्टेसिस मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का स्टेबल ना रहे, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए, तो वो पर्सनालिटी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो उससे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हु इज़ अबव एवरेज इन फिजिकल स्टेचर इन कंपैरिजन टू हिज एज एंड सेक्स ग्रुप बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हार्मोनल डिस्चार्ज विल रिस्पॉन्ड टू हिज सुपीरियर साइज इन वन ऑफ द टू वेज। कोई अगर अपने नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर जो होनी चाहिए उससे उसकी फिजिकल स्ट्रेचर ज़्यादा है, उसका साइज़ या उसका जो बॉडी बिल्ड है वो उससे ज़्यादा है, अबव एवरेज है, तो वो उसको दो तरीके से देख सकता है। अगर दूसरों का रिएक्शन उसकी तरफ पॉजिटिव है तो वो उसको अपने आप को सुपीरियर मान सकता है, अगर दूसरों का रिएक्शन उसकी तरफ नेगेटिव है तो वो उसको नेगेटिव तरीके से देखेगा। तो दोनों तरीके से देख सकते हैं होम्योस्टेसिस में डिस्टर्बेंस होने से। जैसे एग्जांपल है कि क्लास में अगर कोई बहुत जल्दी लंबा हो जाता है स्टूडेंट, छोटे बच्चों की क्लास है 6th 7th में, कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हाइट जिसकी लंबी हो जाती है, या तो उसको बच्चे बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं, उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसको क्लास में मॉनिटर बना देते हैं, या फिर उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये तो बड़ी क्लास का लगता है, ये तो लगता है फेल हो के आया है। तो इस तरीके से डिस्टर्बेंस इन होम्योस्टेसिस होने से दो तरीके से ले सकते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ब्लड प्रेशर अगर जैसे नॉर्मल नहीं है तो उससे आपको डिप्रेसिव मेंटल स्टेट हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो उससे भी इमोशनैलिटी और डिप्रेशन लेवल हाई हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इससे पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है अगर होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है तो। आगे चलते हैं फिजिकल डिफेक्ट्स के ऊपर। फिजिकल डिफेक्ट्स में अल्फ्रेड एडलर ये कह रहे हैं कि इनकी एक थ्योरी है ऑर्गन इन्फीरियोरिटी, कि जो लोग जो कुछ लोग होते हैं ना जिनको कुछ डिसेबिलिटी होती है, ऑर्गन इन्फीरियोरिटी, उनको एक इन्फीरियोरिटी सी फील होती है, उनको एक इनसिक्योरिटी सी फील होती है, जिनके अंदर एक फिजिकल डिफेक्ट होता है, जैसे कुछ लोग हैंडीकैप होते हैं या कोई भी फिजिकल डिफेक्ट है उनके अंदर, तो वो अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझते हैं। जैसे ओबेसिटी ले लो, ओबेसिटी मोटापा मतलब कि, तो अब जो लोग मोटे हैं या जिनको मोटापा ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, वो उनके सोशल रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब होते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि उनकी पर्सनालिटी या तो अच्छी नहीं है, या वो एक सोसाइटी में जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, किसी पार्टी में जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो अपने लिए उनका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत नेगेटिव हो जाता है, अनफेवरेबल एटीट्यूड हो जाता है अपने लिए, उससे उनको एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की अंदर फीलिंग आ जाती है इन्फीरियोरिटी की, तो ये सब चीज़ें उनकी पर्सनालिटी में दिखने लग जाती हैं। हेल्थ कंडीशंस होती हैं, अब हेल्थ कंडीशंस का भी डायरेक्टली पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। गुड हेल्थ होती है तो वो एक एसेट होती है हमारे लिए, बैड हेल्थ हो जाती है एक लायबिलिटी की तरह हो जाती है। गुड हेल्थ से हमारी थिंकिंग पॉजिटिव रहती है, हमारे अपने लिए अपने आपके लिए हमारी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, हम लोगों के सामने जाना पसंद करते हैं। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारा एक तरीके से पूरी पर्सनालिटी ही डिफरेंट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू उससे जिसकी हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, तो उसका इंटरेस्ट नहीं होता बाहर जाने में, वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी हेल्थ कंडीशन अलाउ नहीं करती है, उस वजह से उसके अंदर भी एक इनसिक्योरिटी इन्फीरियोरिटी वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, हेल्थ कंडीशंस पे भी हमारी पर्सनालिटी किस तरीके की है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है ना वो भी हेल्थ की वजह से चेंज हो जाता है, और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स जब चेंजेस होते हैं तो हमारी पर्सनालिटी में वो आता ही है नज़र, क्योंकि हमारे थॉट्स और बिलीफ और एक्शंस को मिला के पर्सनैलिटी बनती है। तो जब हमारे थॉट्स और बिलीफ नेगेटिव हो जाते हैं तो वो हमारी पर्सनैलिटी में नज़र आने लग जाते हैं। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ, जैसे जिसको डायबिटीज़ होता है उसको कितनी टेंशन और एंजाइटी रहती है, डायबिटीज़ के साथ साथ ये प्रॉब्लम साथ में होती ही हैं, सिम्टम्स ही हैं, तो उस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, सोशल एनवायरनमेंट में जाना उसको पसंद नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन जल्दी हो जाती है, एग्रेशन जल्दी हो जाती है। ऐसे हमारा फीमेल्स का भी होता है ना, कि जैसे जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उस टाइम पे हमारा मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा, उसके साथ इरिटेबिलिटी सा बहुत इरिटेशन ज़्यादा बहुत जल्दी होती है उस टाइम पे उसको गर्ल्स को। तो इसमें ये सारी हेल्थ कंडीशन है जिससे हमारी टेम्परेरीली या परमानेंटली पर्सनैलिटी पे इफेक्ट आता ही है। तो ऊपर वाले जो हमने अभी बायोलॉजिकल फैक्टर डिस्कस किए उसके बेस पे ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, जिसके आंसर मैंने हाईलाइट कर रखे हैं पहले से ही, आप देख लो इसको। फिर आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे। साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल है, सेल्फ डिस्क्लोजर है, एस्पिरेशंस है, अचीवमेंट्स है। तो इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट मतलब कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, उससे पर्सनैलिटी के ऊपर कैसे फर्क पड़ता है। इंटेलेक्चुअली ब्राइट मैन एंड वुमेन मेक बेटर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट देन दोज एवरेज और बिलो एवरेज इंटेलिजेंस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअली ब्राइट होते हैं ना, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से सोशली एडजस्ट हो जाते हैं, इमोशनल कंट्रोल उनके अंदर अच्छा होता है, वो कोऑपरेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, थॉटफुल होते हैं, ये सारी चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, और इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, थॉटफुल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, एडवेंचरसम होते हैं, ठीक है, और वो चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, लोग उनमें इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट हैं, ब्राइट हैं, इसलिए वो भी इजीली लोगों के साथ सोशिएबल हो जाते हैं। एक तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है अपने इंटेलेक्चुअल लेवल की वजह से। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर कोई ज़्यादा ही सुपर इंटेलिजेंट हो जाए तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होती है, बहुत अनफेवरेबली हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं उनके अंदर एक इनटॉलरेंस आ जाती है, वो किसी और को बर्दाश्त नहीं करते, वो किसी की गलती नहीं बर्दाश्त करते, वो किसी को स्लो नहीं देख सकते क्योंकि उनको चीज़ें फास्ट और परफेक्ट करने की आदत है, किसी में कमी नहीं देख सकते, इमोशनली बहुत वो हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, डोमिनेंट होते हैं क्योंकि उनको लगता है वो सुपीरियर है दूसरों से, सॉलिटरी परस्यू मतलब अकेले ही करना है सारा काम। तो इस टाइप से अगर ज़्यादा ही कोई ब्राइट हो जाए तो उसकी पर्सनालिटी पे ये सारी चीज़ें दिखती हैं। इमोशनल डिटर्मिनेंट के बाद इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट के बाद अब है इमोशनल डिटर्मिनेंट्स। इमोशनल डिटर्मिनेंट मतलब आप इमोशनली किस तरीके के हो, आपकी बॉडी आपके अंदर इमोशनल बैलेंस कितना है, स्टेबल हो, इनस्टेबल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, या इमोशंस कंट्रोल कर लेते हो। पर्सनैलिटी बिकॉज दे अफेक्ट पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, आपकी इमोशनल डिटर्मिनेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि आप पर्सनली और सोशली कितना एडजस्ट कर सकते हो। अब इसमें किस तरह के फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि डोमिनेंट इमोशंस, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन क्या होता है? जब किसी को लगता है कि उसे उतना लव और अफेक्शन नहीं मिला जितना उसे मिलना चाहिए था। एक्सेसिव लव अफेक्शन है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है। इमोशनल एक्सप्रेशंस, इमोशनल कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब होता है कि आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ डिस्कस करते हो या उसको छुपा के रखते हो, और जब बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है तब रिलीज करते हो सडनली, तो वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इफेक्ट करती हैं। आपकी इमोशनल जो डिटर्मिनेंट्स है उससे आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा उसके इफेक्ट नज़र आते हैं।
चीयरफुल लोग होते हैं वो जनरली हैप्पी होते हैं, तो वही उनकी पर्सनालिटी में दिखता है, वो एक्टिव होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं चीज़ों में। जो डिप्रेसिव मूड में होते हैं वो हैप्पी नहीं रहते हैं, जो वो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं किसी में, पीछे पीछे रहते हैं, इंजॉय नहीं करते। तो इस तरीके से इमोशनल आपका जो माइंडसेट है वो आपकी पर्सनालिटी में भी दिखता है। इमोशनल बैलेंस है जिसमें आप अपनी प्लेजेंट इमोशंस और अनप्लेजेंट को बैलेंस करके चलते हो, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा, तो वो सोसाइटी में इजीली एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत जल्दी खुश भी नहीं होते, बहुत जल्दी परेशान भी नहीं होते, तो बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं हर जगह, इमोशनली बैलेंस होते हैं। आप अपने इमोशंस को अगर कंट्रोल कर सकते हो तो आप जो भी आपके चैलेंजेस आते हैं लाइफ में या जो भी प्रॉब्लम आती है आप उसकी वजह से डिप्रेस नहीं होते हो आप, ये सब फ़र्क पड़ता है इमोशनल उससे। अच्छा, इमोशनल डेप्रिवेशन का मतलब क्या है कि जिसको लगता है कि उसको उतना लव या उसकी लाइफ में उतनी हैप्पीनेस, उतनी क्यूरोसिटी नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी, तो उस केस में वो बंदा एंटी सोशल हो जाता है। पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट उसकी पुअर होती है, तो वो सारी उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आने लग जाते हैं उसकी थिंकिंग के हिसाब से। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ लव एंड अफेक्शन इज द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इनसिक्योरिटी। तो जो जिनको इमोशनल डेप्रिवेशन होता है वो उनको इमोशनल इनसिक्योरिटी फील होने लग जाती है। ज़्यादातर एडोलेसेंट में ये चीज़ दिखती है, फिर वो एक एडल्ट्स को रिबेल करना शुरू कर देते हैं, उनकी बात ना मानना शुरू कर देते हैं, एंटी सोशल होना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इमोशनल डिटर्मिनेंट से आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। एक्सेसिव लव एंड अफेक्शन में भी होता है, आप कोई किसी को बहुत ज़्यादा पैम्पर करता है। अगर जैसे फ्रॉयड यहाँ बोलते हैं कि अगर कोई पेरेंट बहुत ज़्यादा बच्चे को पैम्पर कर रहा है तो वो उसको न्यूरोटिक बना रहा है। न्यूरोटिक मतलब वो इमोशनली अनस्टेबल कर रहा है उसको, बच्चा स्पॉइल हो जाता है, बड़े होकर प्रॉब्लमेटिक एडोलेसेंट बनता है। वो बहुत ज़्यादा उसको आदत पड़ गई होती है अपनी हर बात मनवाने की, हर चीज़ पूरी करने की, तो वो बड़े होकर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इसलिए ओवर प्रोटेक्टिव या एक्सेसिव वो नहीं होना चाहिए, लव एंड अफेक्शन भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे उससे, और पर्सनालिटी पे इस चीज़ का असर नज़र आता है कि वो कितने डिपेंडेंट है, वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनकी सोशल एडजस्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती लोगों के साथ, उनको हर चीज़ पहले चाहिए होती है। तो इस तरीके से फिर वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। फिर इसमें आगे है कि अगर वही चीज़ आपने उसको कंट्रोल करनी सिखाई है, अगर उसको इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखाया है, तो वो सोसाइटी में एडजस्ट करना सीखता है, शेयर करना सीखता है दूसरों के साथ। इमोशनल कैथारसिस होता है जब आप सडनली अपनी इमोशंस रिलीज़ करते हो, तो बहुत टाइम तक आप अपने अंदर दबा के रखी हैं उनको, आप सडनली रिलीज़ कर देते हो क्योंकि आप उसको और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उससे क्या होता है, आप गुड एडजस्टमेंट करना सीख जाते हो। जब बहुत देर तक आप दबी हुई अपने इमोशंस को रिलीज़ करते हो, बेशक आप रो के करो, चाहे किसी को बता के करो, चिल्ला के करो, उससे आपको ईजी फील होता है, उसके बाद हल्का फील होता है, आपका मेंटल और फिजिकल होम्योस्टेसिस रिस्टोर हो जाता है। और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है कि आप अपने आप को ज़्यादा बेटर एडजस्ट कर पाते हो। फिर आता है सेल्फ डिस्क्लोजर। सेल्फ डिस्क्लोजर का मैं ये कह रहे हैं कि हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट अ हेल्थी पर्सनैलिटी। सेल्फ डिस्क्लोजर में क्या होता है, हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट अ हेल्थी पर्सनैलिटी पैटर्न विच इज़ गारंटी फॉर सोशली डिजायरेबल। अगर आप सेल्फ डिस्क्लोजर करते हो, सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब है आप दूसरों को अपने बारे में जानने देते हो, अपनी चीज़ें शेयर करते हो दूसरों के साथ, आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हो, दूसरों को जानने देते हो अपने आप को। अपने आप को डिस्क्लोज करना मतलब किसी को कुछ बता देना, उससे आपको मेंटल एक रिलीफ फील होता है, आप सोशली डिज़ायरेबल हो जाते हो, फेवरेबल रिएक्शंस मिलते हैं दूसरों से। और वही अगर आप इमोशनली स्ट्रेस होते हो अगर, तो वो चीज़ें आपको एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, इन सब चीज़ों के फॉर्म में आपकी पर्सनालिटी में नज़र आती है। तो ये सेल्फ डिस्क्लोजर भी एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को किसी के साथ
अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, अपने साथ अपने अपने ग्रुप में किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट होना, उनके साथ बातें शेयर करना, फीलिंग्स शेयर करना। फिर आता है आपका एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट्स। एस्पिरेशन मीन्स लॉन्गिंग फॉर और स्ट्राइविंग फॉर समथिंग। आप कोई चीज़ बनना चाहते हो, कोई चीज़ के करना चाहते हो इन फ्यूचर, तो उसको एस्पिरेशन बोलते हैं। और एस्पिरेशन में एक तरीके से आपके गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं उस चीज़ को करने के लिए। और आपकी मोटिवेशन के बेस पे आप बिहेव करते हो जो आपके गोल पूरा करने में आपकी हेल्प करें। पॉजिटिव एस्पिरेशंस होती हैं जो आपको सक्सेस अचीव करने के लिए आप रखते हो, उससे आपका पर्सनालिटी और इम्प्रूव होती है। नेगेटिव एस्पिरेशंस होती हैं जिसमें आप अपने आप को फेल होने से बचाने की कोशिश करते हो, तो उसमें आप नेगेटिव साइड ज़्यादा देखते हो। तो एस्पिरेशन में भी दो तरीके से होता है, एक तो होता है कि मुझे सक्सीड करना, दूसरा होता है मुझे फेल नहीं करना। तो हमेशा पॉजिटिव एस्पिरेशन रखनी चाहिए, नेगेटिवली नहीं सोचना चाहिए। अनरियलिस्टिक एस्पिरेशन होती हैं कि आपकी कैपेसिटी के बाहर है, आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते, उससे भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आप कोई चीज़ नहीं कर पाते तो आपके अंदर एक लर्न हेल्पलेसनेस आ जाती है कि आप कर ही नहीं सकते, आप अनहोपफुल और होपलेस हो जाते हो बिल्कुल ही। रिमोट एस्पिरेशन होती हैं जो बहुत दूर की आप गोल टारगेट रख लेते हो जिसमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टॉलरेंस और पेशेंस चाहिए होती है। फिर होता है इमीडिएट एस्पिरेशन जो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, जो नियर फ्यूचर में पूरी हो सकती है। तो अगर किसी को एस्पिरेशन रखनी है तो ज़्यादातर वो एस्पिरेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, और इमीडिएट हो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इमीडिएट एस्पिरेशन रखने से कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। आपका एक गोल पूरा होता है तो आप दूसरा रखते हो, दूसरा होता है तीसरा, इस तरीके से। सो लिखा हुआ है यहाँ पे कि नेगेटिव एस्पिरेशन जो है वो बहुत वीक बना देती है लोगों को। सो लेवल ऑफ एस्पिरेशन, द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन गोल ऑफ एन इंडिविजुअल हैज अचीव एंड गोल ऑफ द पर्सन होप्स टू रीच अफेक्ट द पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ डिस्क्रिपेंसी। तो साइज ऑफ डिस्क्रिपेंसी क्या होता है कि आप कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है, वो चीज़ है डिस्क्रिपेंसी कि आप अभी कहाँ हो और आपको कहाँ पहुँचना है। तो जब साइज ऑफ डिस्क्रिपेंसी ज़्यादा होता है तो उससे जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है बहुत डैमेज हो जाता है। जब आपका जो गोल है वो आपसे बहुत दूर है तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील करते हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका डैमेज होता है। और अगर ये साइज कम है, आपको लगता है कि जो आपका गोल है आप अचीव कर सकते हो, तो आपका वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या होते हैं अचीवमेंट्स। अब अचीवमेंट में क्या होता है कि आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आप अपने आप को पहले तो जज करते हो। ये बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव मतलब आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, दूसरों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। अचीवमेंट को एक दूसरे की परफॉर्मेंस के साथ हम लोग कंपेयर करके करते हैं। जैसे आप आपको पता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो आपके अचीवमेंट है या नहीं है, क्योंकि आप उसको दूसरों से कंपेयर करते हो ना, दूसरों से ज़्यादा है तो अचीवमेंट है। और सक्सेस और फेलियर जो है ये दो चीज़ें हैं जिससे आपके एटीट्यूड में फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी अचीवमेंट पॉजिटिव है, आपको उसमें सक्सेस मिली है, तो आपका एटीट्यूड उस तरफ अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हो जाता है। अगर आपका फेलियर है तो ये सब चीज़ें नेगेटिव में चली जाती हैं। फेलियर आपको डिससेटिस्फाइड बना देता है, मिजरेबल बना देता है। तो अचीवमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है कि आपकी जो अचीवमेंट का मेजर है, सक्सेस और फेलियर, वो कितना है। सेल्फ एस्टीम, ये जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होता है तो आपका लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, अगर आपका फेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा, अभी तक हमने ऊपर जितने भी चीज़ें पढ़ी है उसमें मैंने बार बार ही वर्ड यूज़ किया है सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट फेवरेबल होगा, पॉजिटिव होगा, तो उससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी तो आपका लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करेगा। आप ज़्यादा एडजस्टेबल बनोगे सोसाइटी में, सोशली डिज़ायरेबल बनोगे,
पर्सनालिटी आपकी ज़्यादा बेटर नज़र आएगी। तो इसलिए ऊपर जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें ये चीज़ हमने डिस्कस करी है कि कैसे अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट हमने पॉजिटिव बनाना है। फिर गोल सेटिंग आता है कि गोल सेटिंग में क्या होता है, कई बार लोग ऐसे गोल्स रख देते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होते, जो चीज़ पूरी करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जो रियलिस्टिक गोल सेट करते हैं वो लोग बहुत सोच समझ के करते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, वेल एडजस्टेड होते हैं, उससे उनकी सेल्फ कॉन्सेप्ट अगेन बहुत अच्छा होता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। ये वर्ड फिर से यहाँ आ गया, सक्सेस एनहेंसेस सेल्फ कॉन्सेप्ट। वही बात नेगेटिव में हो जाती है कि जिनके गोल्स बहुत अनरियलिस्टिक होते हैं, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल्स होते हैं जिनको वो अचीव नहीं कर पाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, वो बीच में होपलेस हो जाते हैं, फिर वो उनके रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, उनकी फेलियर झेल नहीं पाते हैं, सेल्फ एस्टीम डाउन चली जाती है, थोड़े से साइकोलॉजिकल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब फिर क्या होता है, इससे वही होता है फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट डाउन चला जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है, सेल्फ एस्टीम डाउन चला जाती है, वही सारी चीज़ें आती हैं घूम फिर के। फेलियर क्या करता है, कॉज इंटेंस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी प्रोड्यूस करता है, उससे फिर साइकोसोमेटिक इलनेस भी होती है। साइकोसोमेटिक मतलब जैसे आप किसी चीज़ में आप फेल हो गए तो आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है, स्टमक एक होना शुरू हो जाता है, आपके कहीं बॉडी में पेन होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत स्ट्रेस है। वैसे एक्चुअल में पेन का कोई फिजिकल कॉज नहीं है, लेकिन क्योंकि आप किसी चीज़ में फेल हो गए, आपको बहुत स्ट्रेस हो गया, इसलिए आपको उस चीज़ का असर आपको फिजिकली फील हो रहा है। तो इस तरीके से गोल सेटिंग से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये इस टॉपिक के बेस पे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप ये पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे सुपीरियर इंटेलिजेंस लीड्स टू पर्सनैलिटी पैटर्न, कौन सा सुपीरियर मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, नेगेटिविज्म, इंटॉलरेंस, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट सब कुछ ही होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो एडजस्ट नहीं करता है, नेगेटिव सोचता है दूसरों के बारे में, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंटॉलरेंट होता है। इसमें से किसको मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं, टॉलरेंस को। इमोशनल स्टारवेशन मतलब आप इमोशंस, आप स्टारवेशन और डेप्रिवेशन का एक ही मतलब है, मतलब आपसे कोई चीज़ ले लेना, आपको कोई चीज़ कम देना। इमोशनल स्ट्रेस क्या आएगा, जनरलाइज्ड स्टेट ऑफ हाइटन इमोशनैलिटी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हाइटन। हु आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय स्ट्रेस, कौन से लोग स्ट्रेस से जल्दी इफेक्ट होते हैं, जिनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है। जिनका हाई सेल्फ एस्टीम होता है वो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको स्ट्रेस जल्दी नहीं होता, वो स्ट्रेस होता भी है तो उसको पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करते हैं, जिसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं। जिनका लो सेल्फ एस्टीम होता है वो डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको मैं अभी वीडियो को मैं यहीं पर अभी फिनिश कर देती हूँ, ये तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप इतना ही अभी रिवाइज करिए जितना अभी हमने ऊपर बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े हैं, तो फिर आप इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।